गई अम्मा को ले। ले भाई अभी 10 रुपए लौटाना। अरे कमबख्त कहाँ रह गए थे? पाजी मैं और अलादीन पुलिस स्टेशन गए थे पर पता चला बीबी को रिहा कर दिया गया तो पीछे पीछे उसी टैक्सी से यहाँ आ गए। हाँ ठीक है चल अंदर बहुत काम है। दोनों बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं बहुत काम। चल आप और टीकू घर जाए मैं और मम्मा मैनेज कर ले। अरे मोई बच्ची कैसे मैनेज कर लेगी? नन्नू मैं मम्मा का ख्याल रख सकती। चलो मम्मा। सैड है ना पर हमें दिखा नहीं रही है कि वो सैड। अलादीन देख क्या रहे हो? चलो ना अवनी को हंसाते हैं उसका मूड ठीक करते हैं उसे तुम्हारी जरूरत है। चलो नहीं आज अवनी को मेरी जरूरत नहीं है आज माँ बेटी को एक दूसरे की जरूरत है। नन्नू अवनी ठीक करी आप दोनों घर जाइए आराम कीजिए। ठीक है अलादीन तू ठीक कह रहा है चल कम भगत। बाजी टैक्सी लेके आता हूँ ना। क्यों बाबा ने जायदाद छोड़ी टैक्सी से जाएगा कली। वारे ऊपर वाले तू भी कमाल करता है दर्द भी देता है और उसे सहने की ताकत भी देता है। रेड में पकड़ी गई क्या? ग्राहक के साथ ही थप्पड़ मारेगी? थप्पड़ मारेगी? हाँ? चल रुक क्यों आती है? देख के नहीं चल सकती क्या तुम? हाथ उठाएगी? छोड़ दीजिए मुझे। अरे ठीक है तुम्हें डर लग रहा है ना? मत डर तुम्हें कुछ नहीं होगा मम्मा तुम सो जाओ चलो लेटो। जो हुआ सब भूल जाओ तुम ही हमेशा कहती थी ना कि हर सुबह एक नया दिन होता है एक मौका जो भगवान हमें रोज देता है एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का मौका। कल सुबह हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। अब आंखें बंद कर लो। नींद ही आती जैसी आंखें बंद करती। जानती हूँ सोचो मत उसके बारे में आंखें बंद करो और सो जाओ। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में।
लेके चलूं तुझको। मुझे अवनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आई फील सो सॉरी फॉर हर। एक 10 साल की बच्ची उसकी अकेली माँ को लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप? लॉकअप में? हाँ क्यों? आशा को, मेरा मतलब आयशा को लॉकअप में? कब? कल आशीष। तो चलो भी। नहीं नहीं, हम नहीं, मैं गई थी कल वहां, लेकिन जब तक मैं पहुंची तब तक आयशा जी रिहा हो चुकी थी। मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार अपने आप पे। सिविलाइज कहते हैं हम अपने आप को, शर्म आती है यार मुझे अपने आप को सिविलाइज कहते हुए, एजुकेटेड कहते हुए। कैसी सोसाइटी में जी रहे हैं हम लोग? ऐसी सोसाइटी जहां सबके सब डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। एक छोटी सी बच्ची को हम नाजायज कहते हैं, उसे इल ट्रीट करते हैं। क्या अभी को एक मौका भी नहीं मिल सकता है? सबसे पहले उसे फैशन शो से निकाल दिया। मैं खुद गई थी केतन के पास आशीष, लेकिन केतन ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, और उसके बाद उसकी माँ को हम पुलिस लॉकअप में बंद कर देते हैं। कौन से लॉकअप? आशीष जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर अवनी नाजायज है तो इसमें अवनी की क्या गलती है? गलती तो उस इंसान की है। एंड आई टेल यू, अगर अवनी आयशा की जिंदगी बर्बाद होती है ना, तो सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। कौन? उसका निकम्मा बाप। और कौन? क्या कह रहे हैं अवनी? देवंती मेहता ने तेरी मम्मी को जेल भिजवाया। झूठा केस बनाकर मेरी मम्मा को जेल भेज दी। तो फिर छोड़ने को कैसे मान गई? अवनी, लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। क्या पावर उसके हाथ में नहीं जो पत्थर मारकर खिड़की तोड़ते? क्या पावर उसके हाथ में जो बिना पत्थर मारे ही लाइफ को बर्बाद करते? ये मैंने कल सीखा। पर अवनी, ये पावर आती कहाँ से है? पैसा इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे से सब कुछ खरीद सकते, सबका नाम होता है। जिसके पास पैसा होता है उसी का बड़ा नाम होता है, उसके पास पावर होती है। कल अगर मेरे पास वो पावर होती, वो पैसे होते, तो कोई मेरी मम्मा को जेल में नहीं डाल सकता था। दया बच्चे में तब मेरी इज्जत नहीं कर सकती थी। मेरी मम्मा को जेल से निकालने के लिए मुझे अपने पैरों पर राख रगड़ने को नहीं कहती। मैं फेल हो गई अली, आई एम अ फेलियर। पत्थर फेंक कर मुझे चैलेंज ही नहीं करना चाहिए था। उनकी पत्थर, उनके पास बहुत पावर। नन्नू, टीकू, तू, मैं और मम्मा, हम सब उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकती, हम सब उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने हम
I'm so weak. So weak. मैं कुछ भी नहीं कर सकती है. और कल के बाद कुछ भी नहीं. तो अवनी, इसका मतलब तू नाम नहीं कमाएगी, कामयाब नहीं होगी? नहीं, तुम कब जागी? सही वक्त पर जागी. और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर.